hello everyone, welcome back at my youtube channel. today we'll, we will discuss some more top 25 questions of english literature and these all will be helpful for jc lecture exam, TCT, PGT, pgt, lt grade and junior added exams. so now, without any delay, let's start the video. but before starting it, i would like to request you, if someone is watching my channel first time, don't forget to subscribe it and please press the bell icon also. now, question number one. द इपीथेट ऑगस्टन वॉज फर्स्ट अप्लाई टू ड्राइडन बाय इपीथेट इट इसका मीनिंग होता है विशेषण तो ड्राइडन के लिए सबसे पहले ये इपिथैट ऑगस्टन किसने अप्लाई किया था फोर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए विलियम कांग्रे थ सैडवेल डॉक्टर जॉनसन ऑप्शन डी एंड ऑप्शन सी जॉन बनियन सो हियर इज द राइट आंसर इज ऑप्शन डी डॉक्टर जॉनसन डॉक्टर जॉनसन अप्लाइड इपीथेट ऑगस्टन टू ड्राइडन क्वेश्चन नंबर सेकेंड हु इज टॉकिंग अबाउट होम इन द स्टेटमेंट ही फाउंड ऑफ ब्रिक एंड लेफ्ट ऑफ मार्बल रिगार्डिंग द एप्लीकेशन ऑफ क्लासिकल रूल्स टू इंग्लिश लिटरेचर किसने किसके लिए ये स्टेटमेंट दिया ही फाउंड ऑफ ब्रिक एंड लेफ्ट ऑफ मार्बल इंग्लिश लिटरेचर में क्लासिकल रूल्स के एप्लीकेशन को लेकर के किसने किसके लिए ये स्टेटमेंट दिया ही फाउंड ऑफ ब्रेक एंड लेफ्ट ऑफ मार्बल एंड फोर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए टी एसियट अबाउट स्विफ्ट पोप अबाउट ड्राइडन ऑप्शन सी डॉक्टर जॉनसन अबाउट ड्राइडन डी नन ऑफ दीज सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी डॉक्टर जॉनसन अबाउट ड्राइडन डॉक्टर जॉनसन ने ऐसा ड्राइडन के लिए कहा था नेक्स्ट क्वेश्चन Who wrote the following regarding the new morality? I shall endeavor to enliven morality with wit and to temper wit with morality. Options are Option A, Dryden, Option B, Pope, Option C, Addition, Option D, none of these. So the right answer is here Option C, Addition. <laughs> एडिशन रोड द फॉलोइंग रिगार्डिंग द न्यू मॉरलिटी आई सेल एंडीवर टू एन लाइव मॉरलिटी विथ विम्पर विथ विथ मॉरलिटी क्वेश्चन नंबर फोर नेम ड्राइडन पोएम रिटर्न इन सेलिब्रेशन ऑफ चार्ल सेकेंड चार्ल्स सेकेंड के सेलिब्रेशन पर ड्राइडन ने कौन सी पोएम लिखी थी सो द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन ए एस्ट्रिया रेडक्स एस्ट्रियाडेक्स जो पोएम है वो सेलिब्रेशन ऑफ चार्ल्स सेकेंड के रिटर्न पर लिखी गई है ये पोएम सिक्सटीन सिक्सटी में आई थी और इसके बाद एन एस मिरावल्स ये है 1667 में और एप्सोलम एंड एक्कीटोफल ये सिक्सटीन में तो ये इनका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है इन पोएम्स का वो भी याद रखना थोड़ा इम्पॉर्टेंट है जरूरी है तो ये ड्राइडन की जो फेमस पोएम्स हैं स्ट्रियरिडक्स जो कि सेलिब्रेशन ऑफ चार्ल्स सेकंड के रिटर्न पर लिखी गई थी और एनस एस मेरा बिले से सिक्सटीन सिक्सटी सेवन में एंड एप्सोलम एंड एक्टोफल सिक्सटीन एट्टी वन में नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव मैच द फॉलोइंग प्लेस विद देयर राइटर्स एक साइड प्लेस के नेम दे रखे हैं एक साइड राइटर के नेम्स दे रखे हैं तो आ, राइटर से मैच कराना है कि किस राइटर का कौन सा प्ले है सो हियर आर मैं सीधे ही करेक्ट आंसर्स बता दे रही हूँ कि थॉमस ऑटवे का प्ले है वेनिस प्रिजर्व जोसेफ एडिशन का प्ले है काटो इंडियन एम्प्रर जो है वो जॉन ड्राइडन का प्ले है एंड द मॉर्निंग ब्राइड विलियम कांग्रेव का प्ले है और द प्लेन डीलर विलियम वैशर्ले का इसमें हम इसके सामने भी ऑप्शंस को लिख दे रही हूं मैं सो जोसो थॉमस ऑटवे का जो प्ले है वो वेनिस प्रिजर्व है जोसेफ एडिशन का प्ले काटो है विलियम वैशर्ले का प्ले द प्लेन डीलर है और विलियम कांग्रेव का प्ले द मॉर्निंग ब्राइड है जॉन ड्राइडन का द इंडियन एम्पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स बेस्ड ऑन शेक्सपियर्स एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा ड्राइडन रोट अ प्ले इन ब्लैंकवर्स आइडेंटिफाइड बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है सभी लोग लगभग लग जानते होंगे सो द राइट आंसर इज हिययर ऑप्शन ए ऑल फॉर लव ऑल फॉर लव प्ले ड्राइडन का ब्लैंकवर्स में लिखा गया है जो कि बेस्ड है शेक्सपियर के एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा पे क्वेश्चन नंबर सेवन द रिस्टोरेशन प्ले राइट्स वर नोन फॉर द एडेप्टेशन ऑफ द एलिजिबिथस प्लेज हु वॉज द प्ले राइट दैट प्रोवाइडेड अ हैप्पी एंडिंग टू किंग लियर ऑप्शन आर ऑप्शन ए थॉमस ऑटवे नेथनियल ली ऑप्शन सी नाहम टाटे ऑप्शन डी नन ऑफ दीज सो हियर इज द राइट आंसर इज ऑप्शन सी नाहम टाटे नाहम टाटे ने जो रिस्टोरेशन प्ले राइट्स थे उन्होंने एलिजाबिथिन के प्लेज को अडेप्ट किया था उनकी थीम्स को तो नाहम टाटे ने किंग लियर प्ले जो शेक्सपियर का लिखा हुआ प्ले है उसका हैप्पी एंडिंग किया है नाहम टाटे ने नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट द फर्स्ट पीरियोडिकल अ मैन्युस्क्रिप्ट न्यूज़पेपर दैट फिगर्ड इन यूरोप वेनिस वाज़ सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए गजेट गजेट Options are Gazette, the Tatler, the spectator, but right option is option A, Gazette. Next question, question number nine. The first regular English journal, a weekly by Thomas Archer and Nicholas Byrne began in 1622. Right answer is option B 1622. Next question. Who was the name of the first daily newspaper? That began in 1702. Options are option A, the jockey's intelligencer, option B, the examiner, option C, the daily current. None of these. So the right answer is here option C, the daily current. Question number 11 Who wrote an essay concerning human understanding? Right uh, answer is option. B. John Locke. John Locke is the right answer. John Locke wrote an essay concerning human understanding. Next question, question number 12. An essay is a loose sally of the mind, an irregular, undigested piece, not a regular or orderly composition. Whose definition is this? Options are option A. एडिशन ऑप्शन बी स्टील ऑप्शन सी बैकन ऑप्शन सी डॉक्टर जॉनसन सो द राइट आंसर इज यन डी डॉक्टर जॉनसन नेक्स्ट क्वेश्चन मैच दाइड वर्क दे रखे हैं और एक साइड राइटर्स के नेम किस राइटर का कौन सा वर्क है फर्स्ट ऑफ ऑल द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन ये वर्क है जॉन बनियन का द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन जॉन बनियन का वर्क है नेक्स्ट मॉल फ्लैंडर्स मॉल फ्लैंडर्स वर्क है डेनियल डफो का द टाटलर द टाटलर वर्क है रिचर्ड स्टील का द विजन ऑफ मिर्जा The Vision of Mirja, Joseph, edition ka work hai. And A Tale of a Tub, Jonathan Swift ka work hai. Next question. Question number 14. Looking at one of his novels, Jonathan Swift was reported to have said, Good God, what a genius I had when I wrote that book. Which book was he referring to? Options are The Battle of the Books, A Tale of Tub. बोथ ए एंड बी नन ऑफ दीज अपने किस नॉवल को लेकर के जोनाथन स्विफ्ट ने ऐसा कहा था कि कितना अच्छा वर्क वॉट अ जीनियस आई हैड वेन आई रोट दैट बुक कौन जब मैंने ये बुक लिखी है मैं कितना जीनियस था सो द राइट आंसर इज हियर अ टेल ऑफ टब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर अ टेल ऑफ टब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन रिलेटेड है द गुलीवर्स ट्रैवल वर्क से जो कि जोनाथन स्विफ्ट का वर्क है गुलीवर्स ट्रैवल तो ये किससे कौन रिलेटेड थे किस प्लेस से तो पिगमीज़ रिलेटेड हैं लिली आ, पुटियंस एंड द जैंट्स रिलेटेड हैं ब्रॉबडिंग नेगनियंस द मून स्ट्रक फिलासफर रिलेटेड हैं लापूतंस एंड द हॉयम्स रिलेटेड फ्रॉम द रेस ऑफ हॉर्से नेक्स्ट पेज में है एक्चुअली इसको उधर में सो द रेस ऑफ हॉर्सेस जो है वो हॉयनम्स और रेस ऑफ हॉर्से एक दूसरे से रिलेटेड हैं और द मून स्ट्रक फिलासफर्स जो थे वो लापूतान्स हैं next question the art of political lying was written by the art of political lying book is written by options are option a john arbuthnot option b jonathan swift option c george berkeley option d none of these right answer is john arbuthnot option a is the right answer next question now, accept the nocturnal reverie of Lady Winchelsea and a passage R2 in the Windsor Forest of Pope. Poetry intervening between Paradise Lost and the Seasons does not contain a single new image of external nature. Who wrote this? Options are Wordsworth, Thompson, Gray, William Blake. So the right answer is here option A Wordsworth. Wordsworth is the right answer. Next question. The Beggar's Opera was written by. The Beggar's Opera was written by. Options are Matthew Pryor. Option B. Samuel Butler. Option C. John Gay. Option D. None of these. Right answer is John Gay. Option C is the right answer. John Gay. Next question. The Civil War took place in 1640. Options are yes. ऑप्शन बी नो ऑप्शन सी मे बी नन ऑफ दीज सो द राइट आंसर इज हेयर यस सिविल वॉर सिक्सटीन फोर्टी में ही हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन द थिएटर्स वर री ओपन इन सिक्सटीन सिक्सटी वेन वर दे क्लोज लास्ट थिएटर्स सिक्सटीन सिक्सटी में खोले गए थे लेकिन क्लोज कब किए गए थे ऑप्शन आर सिक्सटीन 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 फोर्टी टू एंड सिक्सटीन फिफ्टी सिक्सटीन फिफ्टी टू राइट आंसर इज यर ऑप्शन बी सिक्सटीन फोर्टी टू सिक्सटीन फोर्टी टू में थिएटर्स क्लोज किए गए थे और सिक्सटीन सिक्सटी में रीओपन हुए थे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू अ गेम ऑफ चेस इज एन अन्गरी अ कॉमेडी अ रोमांस मैन ऑफ दीज सो द राइट आंसर इज एन एलेगरी ऑप्शन इज द राइट आंसर गेम ऑफ चेस एक एलेगरी है नेक्स्ट क्वेश्चन द एज ऑफ़ रीस्टोरेशन इज़ सो कॉल्ड बिकॉज ऑप्शन ए द थिएटर वर री स्टोर इन दैट एज ऑप्शन बी चार्ल्स सेकेंड वॉज री स्टोर टू इंग्लिश थ्रोन इन दैट एज ऑप्शन सी जेम्स सेकेंड वॉज री स्टोर टू इंग्लिश थ्रोन इन दैट एज नन ऑफ दीज ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर चार्ल्स सेकेंड री स्टोर टू इंग्लिश थ्रोन इन दैट एज इसीलिए इस एज को द एज ऑफ री स्टोरेशन कहा गया था

Next, and the last question of this video Who among the following can be considered the mouthpiece of Dryden in his essay of dramatic poesy that was written in a dialogue form? Option A, Crates. Option B, Neander. Option C, Lacidius. Option D, Eugneus. So the right answer is Neander. Option B is the right answer. Neander. Uh, can be considered the mouthpiece of Dryden in his essay of dramatic poesy that was written in a dialogue form. So, friends, these are today's question of this video, and uh, I I hope ke, uh, these all will be definitely helpful for you. And uh, if you like this video, please give the thumb of like and uh, please subscribe the channel and share this video also. And thanks for watching. We'll meet you again with next video.